हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे में बहुत सारी GDC की वैकेंसी आ रही है, अलग अलग RRB का। कुछ कुछ RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अभी एक और RRB का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा डिटेल दिया है। जो अब नोटिफिकेशन है 25 जुलाई को पब्लिश हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 30 जुलाई को, लास्ट डेट है 30 अगस्त तक, ठीक है। तो इसमें देखिए, इन्होंने लिखा है कि जितने भी आपके ऑल सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई हैं ईस्टर्न रेलवे से, सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग RRB वाले अपना अपना खुद का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। सेंट्रलाइज तरीके से बात हुआ, लेकिन अलग अलग RRB अपने हिसाब से अपना सब नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें टेक्नीशियन थर्ड में टेलीकॉम में 21 पोस्ट है, टेक्नीशियन थर्ड में सिग्नल में 17 पोस्ट है, टेलीकॉम टेक्नीशियन थर्ड में आपका क्या EMU में 20 पोस्ट है, इसी तरीके 5 पोस्ट 3 पोस्ट 0 0 0 फिर 7 पोस्ट। ये था टेक्नीशियन का। अब आ जाइए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन लोको सेट, ये सारे टेक्नीशियन के पोस्ट हैं। अब देखिए असिस्टेंट लोको पायलट, जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत ज़्यादा वैकेंसी, 390 पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट का कितना है, 390 वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके आ जाइए टेक्नीशियन टेली, ये सब डिटेल दिया हुआ। अब ये उन लोगों का क्वालिफिकेशन दिया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। जो लोग भी रेलवे में आपके रेगुलर एम्प्लॉय हो चुके हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद आपका JEE का वैकेंसी आया है, ठीक है, JEE का वैकेंसी आया है। ये देखिए 6 पोस्ट 5 पोस्ट ऐसे JEE की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, JEE की वैकेंसी, JEE के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। अब ऐसे आगे बढ़ते जाइए। उसी तरीके ट्रेन मैनेजर के लिए आपका दिया टोटल 83 पोस्ट, ट्रेन मैनेजर के लिए कितने दिए हैं, 83 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्रेन मैनेजर के लिए नीचे क्वालिफिकेशन दिया कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। ये देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक, क्वालिफिकेशन को आप देख लीजिए प्रॉपर। और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एक वर्ड, कहाँ गया रेगुलर एम्प्लॉय के लिए, एक मिनट रुक जाइएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ रेगुलर एम्प्लॉई के लिए क्या लिखा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये लाइन आप पढ़िए, ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे 2 साल का जो टाइम लिमिट है, इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब होता है जो रेलवे एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड यानी 2 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने भी नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, ग्रुप डी में हो चाहे लेवल 2 में लेवल 3 में, सबके लिए खुशखबरी की बात है। लेकिन अब वो डिपेंड करेगा कि क्या हम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका JEE के लिए सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, JEE का सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे पूरा डिटेल है। तो जो भी इसमें एलिजिबल हैं वे लोग फॉर्म भर के अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, मैं आप लोगों को दिखा दिया। अब इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं भी रेलवे में जॉब करता हूँ, ठीक है, टेलीकॉम पोस्ट पे। तो अगर हम भी एलिजिबल हो जाएंगे तो मैं भी फॉर्म फिलअप करूँगा। चलिए, ठीक है।